साले दोस्त के इतने गंदे कर्म कांड है कि बारिश हो रही इसकी शादी में। सो हे एवरीवन, तो फिलहाल अभी हम हैं कुरावली उत्तर प्रदेश में और यहाँ आने का मेन रीज़न है कि हमारा एक दोस्त शादी कर रहा है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी जल्दी शादी कर लेगा हमारे ग्रुप का कोई बंदा। इस टाइम मैं क्या क्या बोल रहा था मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंडरस्टैंड कुछ भी करके जा रहा था क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि हमारे ग्रुप का एक चोमू लड़का शादी कर रहा है। तो हम लोग थे यूपी के एक छोटे से गाँव में अपने नालायक दोस्त की शादी अटेंड करने के। और यहाँ के गांव की ना बहुत ही खास बात, यहाँ आपको मोर हर जगह दिखाई दे सकते, चाहे वो खेतों पे हो या फिर घर के छतों पर हो। वैसे तो हम यहाँ मौज मस्ती करने आए थे पर यहाँ आते ही हमारे साथ एक चीज होती है। सब बारी है दोस्त की शादी में काम करने की। हाँ ये कुछ काम नहीं कर रहा है, काम करने की बारी है। सारा काम मैं कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा है अभी तक फिलहाल। कुछ भी करा तूने? सुबह से मोरों के पीछे भाग लगा। मोर मोर ऐसे बनाऊंगा ना, झाड़ू डाल के मोर। झाड़ू डाल के मोर, वो तो मैं बन चुका हूँ, वो मेरा दूल्हा दूल्हा। हमने भी क्या सोचा था कि क्या मौज मस्ती करेंगे, पर काम कर रहे थे क्योंकि अगले दिन थी हमारे भैया की हल्दी। चेक करा रहे हैं मुझे। एक तरफ जहाँ हमारा दोस्त अपनी हल्दी की रस्में पूरी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेरे बाकी दोस्त झाड़ू लेके मोर बन के नाच रहे थे। हल्दी का बुखार हमें ऐसा चढ़ा होता है कि हम शाम तक हल्दी ही खेल रहे होते हैं, पर दूल्हे के साथ नहीं, सबके साथ, जिसे यूपी में थापी कहते हैं। और इसके बाद हम अपने चोमू दोस्त के शरीर पे हल्दी मलते हैं, जो कि करीबन करीबन ये दो तीन बार ऑलरेडी लगा चुका हुआ था। वैसे तो ये रस्म थी पर हल्दी में वी को टर्मरिक मिला रखी थी ताकि चोमू को थोड़ा निखार आ सके। ये ऐसी शादी थी जहां हमारे दो रोल थे, देवर और साले दोनों के, इसीलिए हम लोग निकल जाते हैं दुल्हन के वहां, वहां का काम करने और संभालने। असल गांव वाली फीलिंग तो यहां आ रही थी। गांव की ना खुद की एक फीलिंग होती है, उसकी खुद की ही एक यूनिक महक होती है और वो सब कुछ यहाँ महसूस हो रहा था। और ऊपर से इन क्यूट सी भैंसों ने मेरा दिल चुरा लिया था। और यहाँ आके हमें ये वाले झाड़ू फिर से दिख जाते हैं, पर लास्ट टाइम की तरह कोई मोर नहीं बनता। इस बार हमें हैरी पॉटर वाला फील आने लगता है, इसलिए हम उसी की तरह लड़ने लगते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हम खेतों में चले जाते हैं और यहाँ जो सुकून महसूस हो रहा था ना, वो मैं बता ही नहीं सकता। यहाँ के खेतों के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। सो फाइनली आज था शादी का दिन, पर हमारा दोस्त इतना पनौती होता है कि इसके शादी के दिन बारिश हो रही होती है। साले दोस्त के इतने गंदे कर्म कांड है कि बारिश हो रही है इसकी शादी में। तो इस टाइम पे थे हम लड़की वालों की तरफ से और काम करते करते बारिश में भीग चुके थे और ऊपर से हमारे चोमू दोस्त की बारात भी आ चुकी थी। अब हम भी क्या करते, हम भी टी शर्ट और तौलियों में इसकी बारात में नाचे। थोड़ा नाच के हम गायब हो जाते हैं और फिर आते एकदम मस्त तैयार होके और फिर दोबारा नाचते हैं। ये हमारे ग्रुप के पहले लौंडे की शादी, तो खुल के नाचना तो बिल्कुल बनता है। जब ये चोमू अपनी रस्में कर रहा होता है तब हम डीजे वाले से डर रहे होते हैं क्योंकि वो गाने नहीं बजा रहा होता है, और जब वो एक बार गाना बजाता है उसके बाद तो हम लोग रुकते ही नहीं है। और जब ये महाराज अपने दुल्हन के साथ जयमाला के लिए ऊपर आते हैं तब हमें भी बहुत हंसी आ रही होती है और हम लगा देते हैं नारे। और आखिर में इनके साथ एक ग्रुप फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद फिर सोने चले जाते हैं क्योंकि लेट ही इतना हो गया था और फेरों से पहले तो दूल्हा खुद सो रखा था हमारे साथ।
और फिर अगले दिन दुल्हनिया के विदाई का वेट करते हैं और मस्त दिल चाहता के स्टाइल में वापस निकल जाते हैं। और वापस आते हैं तो इनके यहाँ कुछ कुछ रस्म हो रही होती है जो मेरे समझ से थोड़े परे हैं। और इसी के साथ आखिर में हम बहू के साथ मस्त होकर नाचते हैं। और फिर आखिर में सबका आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तो अब हमारी विदाई शुरू, सब विदा हो गए, हम विदा हो रहे हैं। हेलो, बाय बाय गाइस। बाय बाय तब तक। बाय बाय। सब दोस्त भी निपट गया, हम भी निपट गए। थैंक यू। सी और प्रॉब्लम। थैंक यू। डिस्ट्रैक्ट।